कानपुर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सोना चोरी करने वाले 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कानपुर में बीते 2 मार्च को सुनार की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को चोरी किया गया सोना, नकदी और अन्य सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्त पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कानपुर में बीती 2 मार्च को फीलखाना थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से आए 5 लोगों ने सुनार दिनेश पाल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्तों ने दुकान से सोना चांदी और नकद चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अपने मुखबरी को सूचना पर इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का 50 ग्राम सोना, 15 लाख नकद, 7 मोबाइल व 1 स्कोडा कार के अलावा कुछ लोहे के औजार भी बरामद किए गए। इनके पास से चोरी का 50 ग्राम सोना, 15 लाख नकद, 7 मोबाइल, 1 स्कोडा कार के अलावा कुछ लोहे के औजार भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम महबूब हसन, राजेश अली, शुभेंदु सनकी और शेख सलीम है। एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक सभी 4 माह पहले कानपुर आए थे और चोरी की वारदात से पहले रेकी करी थी। एसपी का कहना है कि इस वारदात को अंजाम देने का मास्टरमाइंड राजेश अली ने शुभेंदु को बंगाल से कानपुर भेजा। शुभेंदु दिनेश पाल की दुकान में सोने का काम करने वाला कारीगर बनकर काम करने लगा। शुभेंदु ने रेकी कर जब सब कुछ समझ लिया, तब उसने राजेश को इससे अवगत कराया। 2 साथी तपन और महबूब बंगाल से कानपुर आकर एक होटल में रुक गए। होटल में इन्होंने पूरी प्लानिंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया। कानपुर से श्याम दुबे की खास रिपोर्ट। रात्रि में फीलखाना में एक दुकान में गोल्ड की चोरी हुई थी, काफी मात्रा में गोल्ड चोरी हुआ था। उस संबंध में आज फीलखाना थाने की टीम और सर्विलांस टीम ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इसमें 50 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपए, 1 स्कोडा गाड़ी और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का अभियुक्तों ने जो बताया है उसके अनुसार इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड राजेश अली था, जिसने बंगाल से शुभेंदु को पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ दुकान में कारीगर के तौर पर काम करने के लिए भेजा। और शुभेंदु ने जब यहाँ सब चीज़ों को समझ लिया और रेकी कर ली, तो उसके बाद उसके 2 साथी तपन और महबूब बंगाल से रवाना होकर यहाँ आए और यहाँ होटल में रुके और पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। और जैसे ही ये गोल्ड लेके गए, तो इसके बाद इन्होंने जाके उसको पिघला दिया और उसको ये बेचने की कहीं फिराक में थे, उसी समय फीलखाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके आपराधिक इतिहास को भी तस्दीक किया जा रहा है। कैसे पकड़ में आए? ये एक्चुअली सर्विलांस टीमें हमारी इसमें शुरू से लगी थी और सर्विलांस टीम ने इस चीज़ को डेवलप किया और उसके बाद इनको पकड़ा। सोने की मात्रा काफी ज्यादा थी जो इन्होंने चोरी किया था, लेकिन बरामदगी बात 50 ग्राम से। देखिए 50 ग्राम बरामदगी इसमें है और इसके अलावा 1.5 लाख रुपया कैश भी है और जो कुछ सोना इन्होंने बेच के उस कैश से मोबाइल भी खरीदे, 7 मोबाइल भी इसमें बरामद हुआ है। इसके अलावा स्कोडा गाड़ी भी इनकी है, तो पूरी पूछताछ में ये चीज़ें सामने आएंगी कि इन्होंने उस पैसे का क्या किया और कहाँ उसको खुद लूट किया।